दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में इंस्टेंट पर्सनल लोन चाहिए तो दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने लोन लिया हुआ है। माई लोन में मैं गया तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1061 रुपये का हमारा अभी भी रिपेमेंट EMI किस्त ड्यू है, जो कि मार्च की 17 तारीख को मुझे पेमेंट करना है। और दोस्तों इससे पहले मैं रिपेमेंट का यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको दिखा दूँ कि जो कि मैंने जनवरी की 14 तारीख को 1788 रुपीज़ को रिपेमेंट कर दिया। और दोस्तों यहाँ पर फरवरी, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें इसको रिपेमेंट करना है। पेमेंट डेट मार्च की 17 तारीख तक है, उसके बाद ओवरड्यू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे आप लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है, आप लोगों का लोन नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले यार वीडियो को पूरा देखो, आप लोग साला वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और 20 वीडियो ढूंढते हो देखने के लिए, तो कैसे मिलेगा मेरे दोस्त। वीडियो को पूरा देखो। आज की वीडियो में मैं बहुत ही अच्छी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो कि 10 मिलियन से ज़्यादा प्ले स्टोर के ऊपर डाउनलोड है, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़रूर करिएगा लाइक, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनने के लिए दोस्तों। और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखो आई नीड हेल्प, जरूर लिखे यार। आप अपना नाम लिख सकते हो, आप कौन सी सिटी से हमारी वीडियो को देख रहे हो जरूर लिख सकते हो दोस्तों, क्योंकि आने वाले दिनों में आप सभी के लिए ऐसे ऐसे वीडियोस हम लाएंगे इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऊपर और दोस्तों बैंकिंग लोन के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, ताकि आपके लिए बहुत ही बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, कौन सी कंपनी है, इसका ब्याज कितना पड़ता है और कितने दिन के लिए ले सकते हो, मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना मिलता है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं दोस्तों आप सभी के लिए प्रूफ के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिखा दिया कि मैंने यहाँ से लिया हुआ है और आप लोग बोलते हो नहीं मिलता है नहीं देता है। तो चलिए दोस्तों मैंने दिखा दिया कि लोन में जाके मैंने दिखा दिया और यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर जनवरी में रिपेमेंट EMI किस्त भी भरा है और फरवरी में भी यहां पर ये भरना है मुझे, ठीक है, जो कि लास्ट डेट है मार्च की 17 तारीख तक, ठीक है। मैं पेमेंट अभी कर दे सकता हूं इसका। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा सिविल स्कोर कितना है। सिविल स्कोर मेरा 712 है, आप देख सकते हो कि मेरा 712 का सिविल स्कोर है जो कि पुअर बता रहा है। तो दोस्तों सिविल स्कोर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे देना चाहता हूं ताकि यहां पर आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि व्हाट इज द क्रेडिट स्कोर और सिविल स्कोर। सिविल स्कोर क्या है दोस्तों? सिविल स्कोर होता है दोस्तों 300 से लेकर 900 का सिविल स्कोर होता है। ये आपका अगर आप कहीं भी फाइनेंस कराते हो, लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, बैंक आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज देखता है आपका सिविल स्कोर देखता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 800 से ऊपर है तो दोस्तों बैंक आपको लोन देने में कभी मना नहीं करेगा। उनको, उनके लिए आपका सिविल स्कोर ये होता है कि आप एक अच्छी जेन्युइन पर्सन हो, मतलब कि कभी भी लोन लेते हो टाइम पर रिपेमेंट कर देते हो। इसी चीज के लिए बैंक के पास ये चीज का आपका एक कैरेक्टर आ जाता है सिविल स्कोर के द्वारा कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है और इन्होंने कहीं से भी लोन लेके सही टाइम पे रिपेमेंट करता है, तो इनका इनकम स्टेबल अच्छा है, ये बंदा अच्छा, इनका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, किसी भी कंपनी में या बैंक में लोन लेके टाइम पे रिपेमेंट नहीं करता है, एजेंट या स्टाफ उनके घर में आता है और बार बार ये फेल करता है, वो अपना ओवरड्यू करता है, जिसके वजह से उनके साथ बैंक का रिलेशन खराब हो जाता है, बैंक को उन पर भरोसा उठ जाता है और आगे कभी भी उनको कहीं भी बैंक में लोन नहीं मिल पाता इसी चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने ओवरड्यू किया या किसी पहले वाले किसी बैंक से लोन लेके सही टाइम पर नहीं चुकाया। इसी चीज़ के लिए दूसरे वाले बैंक भी उनको लोन देने में हिचकिचाता है, हेजिटेट करता है। इसी चीज के लिए दोस्तों सिविल स्कोर को अपना हमेशा बढ़ाइए और कभी भी किसी जगह पर लोन लेके सही टाइम पे रिपेमेंट करना दोस्तों। 300 से लेके 900 का सिविल स्कोर होता है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर है तो सही है, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। कहीं भी फाइनेंस अगर करा रहे हो तो सही टाइम पर रिपेमेंट कर दो, ओवरड्यू और बाउंस मत कराओ अपना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैंने आपको सिविल स्कोर के बारे में बता दिया, अभी मैं बताऊंगा ये कौन सी कंपनी है। ये जो कंपनी है ब्रांच कंपनी है दोस्तों, ब्रांच इंटरनेशनल लोन एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं। प्ले स्टोर में लेके जाके प्ले स्टोर में 10 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है दोस्तों। 4.4 की रेटिंग से आप देख सकते हो कि 50,000 तक हमें इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं ब्रांच एप्लीकेशन के थ्रू। और यहाँ पर दोस्तों 750 रुपये से लेकर 50,000 रुपये का लोन हम ले सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है काफ़ी, ठीक है। और ये अगर बात करें, ये RBI द्वारा NBFC रजिस्टर्ड कंपनी है, यहाँ पर ब्रांच कंपनी मेंशन किया है, ठीक है ना दोस्तों। यहां पर ब्रांच की अगर कंपनी की ये बात करें, ब्रांच इंटरनेशनल नाम पे रजिस्टर्ड है। और ऑफिस की बात करें, ये महाराष्ट्र की कंपनी है, मुंबई महाराष्ट्र। आप देख सकते हो कि यहां पर पूरा एड्रेस कंपनी ने दिया दे के रखा है। support@branch.com में जाके आप यहां पर मेल के थ्रू उनसे बातचीत कर सकते हो दोस्तों, यहां पर आप ये सब कर सकते हो दोस्तों। यहां पर ठीक है, कंपनी का पूरी जानकारी दे दिया है कंपनी ने कि आप शॉपिंग लोन्स, होम रिनोवेशन के लिए ले सकते हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए लोन ले सकते हो, बेसिक लोन ले
सकते हो, ट्रैवल लोन ले सकते हो, स्टूडेंट्स लोन ले सकते हो यहाँ से। दोस्तों ब्रांच कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इसके अलावा भी और देशों में भी, मतलब ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये बाहर देशों में भी लोन प्रोवाइड करता है इंडिया के साथ साथ। दोस्तों इस लोन को लेने के लिए कोई भी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कॉलेट्रल और ऑफिस विजिट की ज़रूरत नहीं है, फ्री क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो आप, नो लेट चार्जेस और रोल ओवर फीस ऑन लोन्स, दोस्तों कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है इस चीज़ में, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट कितना बनता है, 9,000 का अगर आपने लोन लेते हो और इंटरेस्ट रेट 548 रुपीज़ बनता है दोस्तों, प्रोसेसिंग फीस 800 रुपये बनता है और GST 144 रुपये बनता है। दोस्तों 9,000 का आपको टोटल मिला के देना पड़ता है 10,492 रुपीज़, सब कुछ मिला के आप देख लीजिए। अगर 9,000 का लोन लेते हो तो 10,492 रुपीज़ का चुकाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर आपका देख लीजिए 336 दिन का, मतलब यहाँ पर रिपेंट सब जानकारी दे दिया गया है दोस्तों, मिनिमम 60 दिन के लिए और मैक्सिमम 336 दिन के लिए लोन ले सकते हो। तो ये एप्लीकेशन सबसे पहले आप कर लीजिए, अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए, पर्सनल डिटेल्स को सबमिट कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों लोन अमाउंट आपको मिल जाता है, उस लोन अमाउंट को आप ले सकते हो, ठीक है, उस लोन अमाउंट को आप ले सकते हो बस सिंपली अपने बैंक खाता ऐड करके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, मैं उम्मीद करूंगा आपका दिन आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अभी। तब तक चलता हूँ दोस्तों, मिलते एक और एक नया वीडियो के साथ, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।